हेलो सर, आप देख रहे हैं गुरु चैनल। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ नालंदा लोकसभा सीट के बारे में। नालंदा में जो 1 तारीख को चुनाव हो चुका है और जो है रिजल्ट जो है 4 तारीख को आने वाला, आपको मालूम ही होगा। मैं दोस्तों एक एग्जिट पोल आ रहा है कि आखिर जो यहाँ से कौन जीतते हुए नज़र आ रहा है। सोशल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो है नालंदा से आखिर कौन जीतते हुए नज़र आ रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा आपको बताऊँ कि आखिर यहाँ से कौन जीत रहा है दोस्तों नालंदा से। ये एक एग्जिट पोल है, बाकी जो रिजल्ट जो है 4 तारीख को आएगा। तो दोस्तों नालंदा में तो डॉक्टर संदीप सौरभ जो है CPIML से चुनाव यहाँ पे लड़े हैं दोस्तों, काफ़ी मेहनत से चुनाव यहाँ पे उन्होंने लड़ा है। उसके बाद कौशलेंद्र कुमार जो दोस्तों जो है JDU से टिकट इनको मिला, और जो है राजनंदी कुमारी जो है ASP एंड आजाद समाज पार्टी से जो है यहाँ पे चुनाव जो है उन्होंने लड़ा दोस्तों। मगर जो सोशल मीडिया और जो है दोस्तों मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जो है ये सीट जो है दोस्तों JDU के खाते में जाते हुए नज़र आ रहा है। मैं बता दूं, काफ़ी यहाँ टक्कर की लड़ाई CPIML और जो है JDU के बीच काफ़ी टक्कर की लड़ाई रही दोस्तों। मगर जो दोस्तों जो यहाँ पे जो सीट जो है मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो दोस्तों ये सीट जो है दोस्तों कौशलेंद्र कुमार को मिलते हुए नज़र आ रहा है, यानी JDU के खाते में जाते हुए नज़र आ रहा है दोस्तों। फिर से जो है यहाँ पे JDU जो है अपना सीट जीतते हुए नज़र आ रही है दोस्तों। दोस्तों आपका क्या मानना, नालंदा में आखिर किसकी कौन जीतते हुए नज़र आ रहा है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मैं बता दूँ नालंदा से जो कौशलेंद्र कुमार जो है 3 बार के सांसद भी हैं, और जो ये सीट जो है नीतीश कुमार के ही पास में रहता है दोस्तों, यानी नीतीश कुमार के ही प्रत्याशी यहाँ से जीतते हुए आते हैं दोस्तों। दोस्तों आपका क्या मानना, जरूर कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब।